गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर साइंस क्लास फॉर क्लास 7, चैप्टर नंबर 3, फाइबर टू फैब्रिक. ओके, सो इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट सम टॉपिक्स लाइक सम एनिमल्स हु यील्ड एनिमल फाइबर लाइक वूल. देयर हैव अ डिफरेंट एनिमल लाइक शिप, याक, कैमल, गोट, है ना. तो दीज आर दी सम डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल दैट यील्ड एनिमल फाइबर. ओके, सो फ्रॉम फाइबर टू वूल ये हमने डिस्कस किया. देन प्रोसेसिंग फाइबर इंटू वूल ये भी हमने बात की. तो फ्रॉम फाइबर टू वूल हमने जो डिफरेंट एनिमल्स की रेयरिंग एंड ब्रीडिंग प्रोसेस जो होती है वो हमने बात की कि किस तरह से उनकी किस सीजन उनकी रेयरिंग होती है, देन ब्रीडिंग होती है. फिर उसके बाद हम जो है उनका यूज जो है, या फिर हम कहें उनकी बॉडी से जो है स्किन हेयर हम रिमूव करते हैं, तो वो जो सीजन है वो किस सीजन में हम रिमूव करते हैं. ठीक है, ये हमने बात की. देन फाइबर टू वूल हम किन प्रोसेस के थ्रू हम प्रिपेयर करते हैं, तो वो हमने बात की. वो प्रोसेस है शेयरिंग की, जिसमें शेयरिंग में हम क्या करते हैं, जनरली रिमूवल ऑफ स्किन हेयर ड्यूरिंग द हॉट वेदर फ्रॉम डिफरेंट एनिमल्स स्किन. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये हमारी शेयरिंग, मतलब कि रिमूवल या फिर हम कहें सेविंग ऑफ हेयर्स, ये हमारी शेयरिंग है. देन नेक्स्ट जो है वो है स्कोरिंग, जिसमें हम जो है जो शेयर्ड हेयर है, जो हमने हेयर को रिमूव किया है, जो सेव हेयर हैं उनमें जनरली क्या है, डस्ट, डर्ट एंड कुछ उसमें जो है ग्रीस वगैरह होते हैं, तो उनको जो है हम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं या फिर वॉश करते हैं. तो क्लीनिंग एंड वॉशिंग की जो प्रोसेस है ऑफ डिफरेंट शेयर्ड फाइबर की, वो है हमारे स्कोरिंग. ठीक है, देन स्कोरिंग के बाद हम जो क्या करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे. सॉर्टिंग यानी कि जनरली जो हेयर हैं उनमें कुछ सॉफ्ट हेयर होते हैं, देन कुछ हार्ड हेयर होते हैं. तो जो हार्ड हेयर होते हैं उन्हें हम बर कहते हैं. तो उनको जो है सॉफ्ट हेयर को सेपरेट करते हैं फ्रॉम दी हार्ड हेयर, तो दी प्रोसेस इज नोन एज सॉर्टिंग. ठीक है, देन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट तो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है वो है स्मॉल प्लफी फाइबर आर कॉल्ड बर आर पिक्ड आउट बाय दी हेयर. दीज आर दी सम बर्ड विच समटाइम अपेयर ऑन योर स्वेटर. तो ये सॉर्टिंग हो गई. उसकी सॉर्टिंग के बाद फिर हम क्या करते हैं, डाइंग की प्रोसेस होती है. डाई करते हैं उनमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर हम उनमें जो है ऐड करते हैं, है ना, डिफरेंट हमारे जो स्किन हेयर स्किन जो होते हैं एनिमल्स की उनमें. फिर उसके बाद फिर हम उनको जो है प्रोसेसिंग के लिए लेकर जाते हैं मशीन में, है ना, यानी कि उनसे जो है रोलिंग करेंगे. देन रोलिंग के बाद फिर क्या होगी, उससे हमारा जो फैब्रिक है वो प्रिपेयर हो जाएगा. फिर फैब्रिक के बाद जो है हमारे क्लॉथ्स जो है वो तैयार होंगे, ये हमने बात की थी. फिर उसके बाद एक ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स की बात की थी, जहाँ पर जनरली जो एक एंथ्रैक्स बैक्टीरियम है, जहाँ पर लोग जो है क्या करते हैं, जो फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ पर हम खुद अपने बाय हैंड जो है हम ये सारी प्रोसेस करते हैं, शेयरिंग की प्रोसेस, स्कोरिंग की प्रोसेस, सॉर्टिंग की प्रोसेस, देन हमारे जो डाइंग की प्रोसेस एंड रोलिंग की प्रोसेस जो है थ्रू दी हैंड जो लेबर्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं उनके थ्रू होता है. तो बाय हैंड वो अपना वर्क करेंगे, तो उनके थ्रू जो है जो हमारे एनिमल्स हैं उनमें एक बैक्टीरियम होता है एंथ्रैक्स, जो उन फाइबर्स के थ्रू जो है ह्यूमन की बॉडी में चला जाता है, जिससे जो है उनको एक शॉर्ट डिसीज़ हो जाती है. ठीक है, तो इसी डिसीज़ की यहाँ पर बात हुई है. फिर उसके बाद अब हम बात करेंगे सिल्क, जो सिल्क है उसकी यहाँ पर बात करेंगे, सिल्क फाइबर की. सिल्क फाइबर और ऑल्सो अ एनिमल फाइबर. ओके, तो सिल्क वॉर्म स्पिन द सिल्क फाइबर एंड द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर. ठीक है, तो सेरीकल्चर क्या है, सेरीकल्चर इज द नथिंग बट इट इज अ सिल्क फाइबर रेयरिंग प्रोसेस. यहाँ पर क्या कह रहे हैं, द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग द सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर. फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर, आंट, ग्रैंड मदर एंड द काइंड ऑफ सिल्क सारी दे हैव लिस्ट द काइंड ऑफ सिल्क. अब हमें जो यहाँ पर कुछ देखना है कि जो हमारी माँ हैं, जो हमारे ग्रैंड मदर आंटी जो हैं वो वेयर करती हैं सिल्क साड़ी को, उन्हें हमें देखना है और उनको कंपेयर करना है कि सिल्क की साड़ियाँ होती कैसी हैं. ठीक है, देन बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ दी सिल्क मॉथ. अब देखिए, हमने तो सिल्क को ऑब्टेन करने की प्रोसेस तो हमने देख ली, बट अब हम जो सिल्क
जो हमारा एनिमल है वो सिल्क फॉर्म करता है उसकी प्रोसेस की हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारी लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। अब लाइफ हिस्ट्री में हम क्या है, द फीमेल सिल्क मॉथ लेस एग फ्रॉम विच हैच लार्वा एंड विच आर कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म्स, ठीक है। तो जो फीमेल है सिल्क मॉथ वो क्या करती हैं, वो अंडे देती हैं, फ्रॉम विच जो कि किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, या फिर हम कहें जब जो अंडे हैं वो हैच आउट होते हैं किसके फॉर्म में, लार्वल फॉर्म में, जिसे कहते हैं कैटरपिलर। जो सिल्क है उसका जो लार्वा है उसका नेम है कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म, कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये है हमारा ठीक है कैटरपिलर एंड सिल्क वॉर्म, ये क्या है, लार्वा ऑफ सिल्क मॉथ है ये, ठीक है। दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा। अब देखिए ये जो है इसकी पूरी जो लाइफ हिस्ट्री है फ्रॉम लार्वल टू मैच्योर सिल्क सिल्क वॉर्म, तो वो जो लाइफ हिस्ट्री है पूरी होल लाइफ हिस्ट्री उसे कहते हैं प्यूपा, ओके। सो इट फर्स्ट वेव्स अ नेट टू होल्ड इट सेल्फ। अब देखिए इसका फर्स्ट जो वेव है, मतलब फर्स्ट स्टेज क्या है, वो लार्वा जैसे कन्वर्ट लार्वा में कन्वर्ट हुआ एग, देन उसके बाद जो लार्वा है वो क्या करेगा, अपने आसपास जो अपने अराउंड जो है वो क्या कर लेगा, वेव अ नेट टू होल्ड इट सेल्फ, एक नेट फॉर्म कर लेगा वो अपने बॉडी के चारों तरफ, ठीक है। देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन इन फॉर्म द फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ एट, जैसे यहाँ पर देखिए जैसा हमारा एट फॉर्म होता है ना उस तरह से वो फिगर बना लेता है खुद को, ठीक है। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ द हेड द कैटरपिलर सीक्रेट्स फाइबर मेड ऑफ अ प्रोटीन विच हार्डन ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर। अब देखो यहाँ पर जैसे पिक्चर में हम देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो यहाँ एग है ना, ये एग है, एग जो है किसमें मैच्योर होकर के हैच आउट हो जाएंगे सिल्क वॉर्म में, जो हमारा लार्वा है सिल्क है ना, उसके बाद ठीक है ये लार्वा में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये आप देख रहे हैं ये हमारा सिल्क वॉर्म है, ये क्या करेगा लार्वा फॉर्म करेगा, देन जो लार्वा है उसे हम कहते हैं कैटरपिलर है ना, कैटरपिलर, और उसके बाद जो है ये अपने चारों तरफ जो है इस तरह से जैसे देख रहे हैं ना ये कोकून फॉर्म करेगा, ये कोकून अपने चारों तरफ जो है एक वेव नेट होल्ड कर लेगा, देन वेव नेट होल्ड करने के बाद जो है खुद जब ये मैच्योर होगा तो एट जो हमारा क्या वर्ड होता है जो नंबर है एट उसके फॉर्म में ये शो होने लगता है, एज इट इज़ एट एट फॉर्म में जो है वो शो होने लगता है, और ये अपने चारों तरफ जो है क्या करेगा एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, हार्ड कवरिंग हार्ड कोटिंग जो होती है ये फॉर्म कर लेगा, जो कि क्या है किससे बना हुआ है, ये हमारा फॉर्म है प्रोटीन से, विच आर हार्डन एंड एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर, ठीक है। देन सून द कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर एंड टर्न इनटू प्यूपा। अब देखो जल्दी ही वो क्या कर लेता है, अपने आसपास जो सिल्क फाइबर कवर कर लिया, एट शेप का बन गया, उसके बाद फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टर्न इनटू प्यूपा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये प्यूपा में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून। अब ये जो कवरिंग है हार्ड कोट ऑफ प्रोटीन की जो कवरिंग है उसे हम कह रहे हैं कोकून, ठीक है, ये कोकून ही है हार्ड कोट ऑफ प्रोटीन की, जिसे हम कोकून कह रहे हैं। देन क्या है द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मॉथ कंटिन्यूसली इनसाइड द कोकून। अब देखो जो कोकून फॉर्म हुआ है उसके इनसाइड जो है फर्दर जो प्यूपा है वो किस में डेवलप होगा, मैच्योर सिल्क मॉथ में वो डेवलप होगा। देन सिल्क फाइबर आर यूज टू वेयरिंग सिल्क क्लॉथ, कैन यू इमेजिन दैट द सिल्क सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज अ कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हमें सोचने वाली बात यह है कि जो सॉफ्ट सिल्क यार्न है, यार्न मतलब हमारा जो धागा है वो किसकी तरह स्ट्रांग होता है, वो एक स्टील की जो रॉड है उसकी तरह वो स्ट्रांग होता है, इतना स्ट्रांग है, ठीक है। देन द सिल्क यार्न थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ, देयर इज अ वैरायटी ऑफ सिल्क मॉथ विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम
वन अनदर एंड द सिल्क यार्न दे यील्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर। ओके, तो टेक्सचर में वो डिफरेंट डिफरेंट, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जो सिल्क मॉथ होते हैं वो दिखने में भी डिफरेंट होते हैं, देन डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क वो यील्ड करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, वो हैं कोर्स, स्मूथ, शाइनी, इस तरह के सिल्क जो हैं वो क्या है टेक्सचर में जो है वो सिल्क यील्ड करते हैं। ठीक है, अलग अलग सिल्क वॉर्म जो है वो अलग अलग तरह की सिल्क फाइबर बनाएंगे, है ना। इसीलिए हमें जो है डिफरेंट टाइप के सिल्क साड़ियाँ हमें देखने को मिलती हैं। जनरली हमें कॉर्स सिल्क साड़ियाँ देखने को मिलती हैं, स्मूथ सिल्क साड़ियाँ देखते हैं, कुछ शाइनी सिल्क की साड़ियाँ होती हैं, है ना। तो वो इस वजह से है कि अलग अलग सिल्क वॉर्म जो है वो अलग अलग सिल्क जो है यील्ड करते हैं। ठीक है, दस क्या दिया है, तसर सिल्क, मूंगा सिल्क एंड कोसा सिल्क, ये यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं वो सिल्क फाइबर के नेम, है ना। तसर सिल्क, मूंगा सिल्क ये दिया है, है ना, तसर सिल्क, मूंगा सिल्क एंड कोसा सिल्क, ये सभी हैं। अब ये क्या है, आर ऑप्टेन फ्रॉम कोकून स्पन बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मॉथ। The most common silk moth is the mulberry silk moth. अब जो most common है जिससे हम silk fiber obtain करते हैं वो है हमारा, most common है वो mulberry silk. इसी से generally हम silk fiber लेते हैं, then silk fiber से हम different type of साड़ी हम made up करते हैं। ठीक है, then the silk fiber from the cocoon of this moth is soft, lustrous and elastic and can be dye in beautiful color. ओके, सेरिकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म इज अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। इंडिया पर्पस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कॉमर्शियल स्केल। अब देखो यहाँ पर जनरली जो मलबरी सिल्क मॉथ है वो उसका यूज़ हम क्यों करते हैं, उसके लिए भी बेनिफिशियल है, इसी वजह से हम यूज़ करते हैं, क्योंकि जनरली ये कैसा होता है, इट इज़ अ सॉफ्ट लस्ट्रस यानी कि शाइनी सरफेस है एंड इलास्टिक भी होता है ये, है ना। इसी वजह से जो है हम इस सिल्क को हम जो है जनरली हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इलास्टिक और ये बहुत ही ब्यूटीफुल कलर में हम इसे डाई कर सकते हैं। ठीक, इसीलिए हम मलबरी सिल्क मॉथ से ही सिल्क फाइबर ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली सिल्क मॉथ से किस तरह से सिल्क फाइबर हम ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, देन यहाँ पर कुछ एक्टिविटी यहाँ बता रहे हैं जिनके थ्रू जो है हमें डिफरेंट सिल्क को हमें अंडरस्टैंड करना है कि कौन सा प्योर सिल्क है, कौन अनप्योर है, है ना। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सी बात यहाँ बता रही है क्या, कि इन इंडिया वुमेन आर सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व इन वेरियस काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। दीज आर रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, रीलिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम कोकून एंड प्रोसेसिंग ऑफ रॉ सिल्क इन टू फैब्रिक्स बाय देयर इंटरप्राइज। दे कंट्रीब्यूट टू द नेशंस इकोनॉमी एंड चाइना लीड द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन। इंडिया ऑल्सो रैंक अमंग द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। अब देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि इंडिया जो है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वुमेन्स का रोल होता है सिल्क प्रोडक्शन, जो फैक्ट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पर जनरली वुमेन्स का ही यहाँ पर रोल है ना, जो कि जनरली क्या करते हैं वुमेन ही सिल्क वॉर्म जो होते हैं उनकी रेयरिंग करेंगे, रीलिंग करेंगे सिल्क को फ्रॉम कोकून से, देन जो रॉ सिल्क है उसको डिफरेंट फैब्रिक्स में फॉर्म करने के लिए प्रोसेसिंग भी करते हैं। ठीक है, देन यहाँ पर ये बात हो रही है कि कंट्री में जो है डिफरेंट कंट्रीज हैं, उनमें से जो चाइना है वो फर्स्ट पोजिशन पर है, जो कि जनरली फर्स्ट पोजीशन में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है सिल्क फाइबर यील्ड होता है और सिल्क फाइबर से ही के ही क्लॉथ वहाँ पर बनते हैं। ठीक है, या फिर हम कहें कि सेरिकल्चर जो है सबसे टॉप पे चाइना में होता है, देन उसके बाद इंडिया में। ठीक है, सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में से टॉप में चाइना है, देन हमारा सेकेंड इंडिया है। ओके, तो ये हमने बात कर ली सिल्क वॉर्म की, देन इसके आगे जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।